हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वन मोर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट फ्रॉम क्लास 12th। ओके, एंड द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट इज टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ओके, सो बिफोर वी गो फॉर द एक्सपेरिमेंट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द अपैरेटस दैट रिक्वायर्ड in this particular experiment and what is the theory behind this experiment. So apparatus that you can see that we required one traveling microscope. So this is our traveling microscope. Okay, and we will discuss some detail while performing the experiment. Then secondary we required one glass slab. Okay, और इसी glass slab का हमें refractive index भी find out करना है. Okay, this is a lycopodium powder. Okay, which we required in this particular experiment, and this is a simple magnifying glass just to take the close observation. Okay, so what to do in this experiment? हम क्या करने वाले और किस तरह से हम इसका refractive index find out करेंगे with the help of the traveling microscope. तो इसका जो theory है वो बहुत ही simple सा है, बराबर जो हम class 12th में हमने optics में पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी object को रेरर मीडियम से ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में है, जिस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्लास स्लैब है और उसके बॉटम में हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, जैसे मान लो कि हमने कोई डॉट किया हुआ है, इंक डॉट किया हुआ है, ठीक है। तो जब कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम डेंसर मीडियम में रखें एंड वी इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम द रेरर मीडियम देन इट अपीयर्स टू बी अ डेप्थ एट अ डेप्थ लेस देन द रियल डेप्थ। तो वो हमें कैसे दिखाई देगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें उसकी रियल जो डेप्थ होगी ओके उससे कम डेप्थ पे दिखाई देगा, मतलब वो अपेरेंट डेप्थ पे या तो वर्चुअल डेप्थ पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है कि ये ग्लास स्लैब है, हमने उसके बॉटम में इंक डॉट लगाया हुआ है। ओके, सो ये जो इंक डॉट है इसका जो रियल डेप्थ है दैट इज दिस मच, इसको हम रियल डेप्थ बोल सकते हैं। तो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं, तो दिस इज द रियल डेप्थ, इसको हम लिखेंगे रियल डेप्थ, बराबर। अब अगर आप इसका रे डायग्राम स्टडी करते हो तो आपको पता चलेगा कि इसमें से जो रेज आ रहे हैं, ठीक है, आपके जो रेज जो है वो मीडियम डेंसर में से वो रेरर में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और जब वो रिफ्रैक्ट होंगे तो आप उस रिफ्रैक्शन रेज के साइड को अगर आप एक्सटेंड करते हो तो वो जो रेज है वो इस पॉइंट पे मिलते हैं, मतलब कि यहां पे आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जर्व होगी। तो ये जो इमेज है ना वो थोड़ी ऊपर की तरफ यहां पे आप रेज हो चुकी है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द अपेरेंट डेप्थ। ओके, तो ये हमारा रियल डेप्थ है और ये हमारा अपेरेंट डेप्थ है। तो वेन एवर यू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट इन अ डेंसर मीडियम and when you observe from the rarer medium then it will always appeared at a less depth compared to the real one. Okay, and that is what we called as a this theory means that is application of the refraction of light, you can see that. To usi mein humne ek equation bhi study kiya tha theory pe ki refractive index of the glass slab with respect to area yahan pe wo bana jata hai nga that is equal to real depth upon apparent depth. तो आप रियल डेप्थ मेजर करिए, अपेरेंट डेप्थ मेजर करिए और दोनों का रेशियो लेके हम इस ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम वही कुछ करने वाले इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट को, और एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले हर बार की तरह हम पहले ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे पास जो डेटा है वो डेटा कैसा है और किस तरह से हम इसको यूटिलाइज करने वाले इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा वो होगा लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल एट अ माइक्रोस्कोप ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का जो लिस्ट काउंट है मेन स्केल का वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीजें हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये हमारा मेन स्केल है नॉर्मल, बराबर आपने वर्नियर यूज किया हुआ है 11th में, तो ये बिल्कुल वैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है, बराबर वो फर्क मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा मेन स्केल है जो पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है वर्टिकली, बराबर आपको पूरा दिखाते हैं, तो ये पूरा मेन स्केल आप देख सकते हो वर्टिकली, तो दिस इज अ मेन स्केल।
और ये जो आपको छोटा सा स्केल यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा है, ओके, यहाँ पे ये जो स्केल है इसको हम बोलेंगे वर्नियर स्केल। सो वी हैव अ टू डिफरेंट स्केल, वन इज अ मेन, अनदर इज अ वर्नियर, और ये दोनों को यूज करके हम रीडिंग को मेजर करेंगे, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, और द यू कैन से दैट द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑन द माइक्रो ऑफ द माइक्रोस्कोप, बराबर। तो इसका मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना होना चाहिए, तो फिर से एक बार आ जाइए, तो मेन स्केल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिटवीन जीरो एंड वन, बिटवीन जीरो एंड वन यहां पे टोटल 20 डिवीजन है, बराबर। देखो ये थोड़ा सा फर्क आपको समझना होगा कि हम जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं उसमें जीरो और वन के बीच में जो मेन स्केल होता है उसमें 10 डिवीजन होते हैं, बट यहां पे जीरो और वन के बीच में टोटल 20 डिवीजन है, बराबर। मतलब एक एमएम के बीच में भी एक आधे एमएम का डिवीजन है, बराबर। सो जीरो 0.5 एमएम, देन 1 एमएम, देन 1.5 एमएम, देन 2 एमएम, इट इज समथिंग लाइक दैट। सो देर आर 20 डिवीजन्स ऑन दिस मेन स्केल बिटवीन 0 एंड 1 सेंटीमीटर। सो द वैल्यू ऑफ द वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.5 एमएम। तो हमारा जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन होगा कि यहां पे लिस्ट काउंट जो होगा मेन स्केल का, दैट इज इक्वल टू 0.5 एमएम, बराबर। तो ये नॉर्मली 1 एमएम होता है जो हमारे स्केल में होता है, वन ईयर में होता है, बट यहां पे ये 0.5 एमएम है क्योंकि 0 और 1 के बीच में 20 डिवीजन है। सेकेंडरी नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वन ईयर स्केल, तो आ जाइए वापस से वन ईयर स्केल के ऊपर फोकस करते। तो जो नॉर्मल वन ईयर स्केल हम लोग यूज करते हैं 11th में, उसमें वन ईयर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन होते थे, अगर आपको याद हो तो वन ईयर स्केल पे उसके ऊपर हम 10 डिवीजन हमारे पास होते थे, लेकिन यहां पे टोटल 50 डिवीजन है, ओके? तो फ्रॉम जीरो से लेके ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया और ये 50। सो देर आर टोटल 50 डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ओके? सो यहां पे हमें इसको रिकॉर्ड करना है कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल दैट इज इक्वल टू 50। तो आइए इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं, जो कि थोड़ा अलग होगा हमारा जो रेगुलर वन ईयर कैलिपर्स होता है उससे थोड़ा अलग होने वाला ये। सो लिस्ट काउंट दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वन ईयर स्केल। सो द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन, दैट इज इक्वल टू 0.5 एमएम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, दैट इज इक्वल टू 50, इट विल बी 0.01 एमएम एंड दैट इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। So this is a least count of this particular traveling microscope. Okay, so this is a least count and that is what we are going to utilize in our observations. Okay. So the next important part of this experiment, that is observation table. तो हम पहले observation table को study कर लेते हैं और फिर हमारा experiment start होगा। तो observation table में total हम लोग 3 reading लेने वाले हैं। सबसे पहला कॉलम है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप फोकस्ड ऑन एन इंक डॉट मार्क ऑन द नंबर वन इज पीस ऑन पीस ऑफ पेपर विद द ग्लास स्लैब एंड विद द लाइकोपोडियम पाउडर, जो आपको पता चलेगा हमें किस तरह से इसको परफॉर्म करना है। द सेकेंड इज एग्जैक्टली सेम, जैसे हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते किस तरह से उसके रीडिंग लेते हैं, बराबर। तो उसी तरह से हमें इसमें भी रीडिंग लेना है। सो द मेन स्केल रीडिंग दैट इज एक्स सेंटीमीटर, देन द सेकेंड वन इज द वर्नियर स्केल रीडिंग, उसमें दो होता है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन कि कौन से नंबर का डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है जैसे हम वर्नियर को यूज करते हैं, एंड देन द वर्नियर स्केल रीडिंग कि उस डिवीजन नंबर को लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग जो हमें मिलेगा, उस वर्नियर स्केल रीडिंग को अगर हम मेन स्केल में एड कर दे तो हमारा फाइनल रीडिंग रेडी हो जाता है। तो यहां पे हम उस फाइनल रीडिंग को नोट डाउन करेंगे, बराबर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो आइए एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस एक्सपेरिमेंट में इस तरह से करना है कि यहां पे हमने एक इंक डॉट को मार्क किया हुआ है पीस ऑफ पेपर के ऊपर। इस तरह से आपको इंक डॉट को मार्क करना है और बिल्कुल आपका जो माइक्रोस्कोप है उसके लेंस के नीचे हमें यहां पे उसको रखना है, ठीक है। और अब हम क्या करने वाले, फॉर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहां पे आप देख सकते हैं वन ईयर इस माइक्रोमीटर सॉरी ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में ये पीछे की तरफ स्क्रू दिया होता है। ये जो स्क्रू है ना, ये स्क्रू की मदद से आप इस माइक्रोस्कोप को वर्टिकल मूव कर सकते हो, बराबर। अगर आप स्क्रू को लूज करोगे तो आप अगर आप वर्टिकल मूव करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अगर आपको फाइन मूवमेंट करना है वर्टिकली तो यहां पे भी ऊपर की तरफ भी एक और स्क्रू दिया हुआ है जहां पे आप इसको रोटेट करके इसका मूवमेंट जो है फाइन मूवमेंट कर सकते हो।
बहुत ही धीरे से अगर आपको मूवमेंट करना है, सो यू कैन यूटिलाइज दिस स्क्रू। और अगर यहाँ पे आप ये वाला जो स्क्रू जिसको हम यूज करेंगे तो आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एक्सपेरिमेंट, हमें इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं करना है, बराबर। तो जहां पे आपका इंक डॉट यहाँ पे फोकस हो जाता है, मतलब आपको लेंस के थ्रू यहाँ पे दिखाई देता है, सो दैट पोजिशन इज फिक्स। यू नीड नॉट टू मूव दिस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हॉरिजॉन्टली, वी हैव टू ओनली वर्क इन अ वर्टिकल स्केल, बराबर। तो यहाँ पे वर्टिकल स्केल में ही हमें काम करना है, हॉरिजॉन्टल में हमें कुछ भी काम नहीं करना है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आइए हमारा जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है उसको हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले ये स्क्रू की मदद से, जो बैक साइड में जो मैंने आपको स्क्रू बताया उसकी मदद से, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का जो जीरो पोजिशन है, बराबर, तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को हम यहाँ पे जीरो पे फोकस कर देंगे। तो देखो वर्नियर का जो जीरो आपको दिखाई दे रहा है और आपका जो मेन स्केल का जीरो है बिल्कुल कोइंसाइड हो रहा है, और आपको यहाँ पे बिल्कुल इसको फोकस करके रखना है, बराबर। तो आप इसको अप एंड डाउन करके एग्जैक्टली शार्प यहां पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रू की मदद से इसको अप एंड डाउन करके ये दोनों जीरो बिल्कुल कोइंसाइड होने चाहिए फॉर द फर्स्ट रीडिंग, बराबर। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, यहां पे माइक्रोस्कोप है और इस माइक्रोस्कोप के फोकस को चेंज करने के लिए यहां पे हमारे पास एक स्क्रू दिया गया है, ठीक है। तो जिसकी मदद से आप लेंस को अप एंड डाउन कर सकते हो और इस डॉट को फोकस कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, जीरो पे लाने के बाद फॉर द फर्स्ट रीडिंग, जीरो जीरो को कोइंसाइड करने के बाद हम इस स्क्रू की मदद से इस डॉट को फोकस करेंगे। सिर्फ इस स्क्रू की मदद से हमें डॉट को फोकस करना है। तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से डॉट फोकस होता हुआ दिखाई देगा आपको। तो यहां पे हमने डॉट को फोकस कर दिया है, हम ट्राई कर रहे हैं आपको दिखाने का कि आप देखिए थ्रू द लेंस कि आपका जो डॉट है वो फोकस है कि नहीं है। तो आपको यहां पे थोड़ा सा हल्का सा दिखाई दे रहा होगा डॉट, बराबर, ब्लैक कलर में, बराबर। तो ये आपका विल ट्राई कि आप कैमरा के थ्रू देख पाओ, बट मे बी सम टाइम इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो यहां पे इसको आप देखने की कोशिश करिए, हम इसको थोड़ा अलाइनमेंट करके आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से डॉट आपका जो फोकस है वो दिखाई देगा। थोड़ा इसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए, तो ब्लैक कलर का आपको डॉट में भी हल्का सा दिखाई दे रहा है फोकस, बराबर। तो ये हमारा, आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा, जब आप ये परफॉर्म करोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि किस तरह से वो डॉट बिल्कुल फोकस जैसे माइक्रोस्कोप में आपको दिखाई देता है वैसे ये डॉट आपको फोकस दिखाई देगा। जैसे ही डॉट आपका फोकस हो जाए, बराबर, इसकी मदद से, इस स्क्रू की मदद से, अब ये स्क्रू जो है उसका पोजिशन और इसका जो अलाइनमेंट है वो फिक्स रहेगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। अब आपको इसको कभी भी टच नहीं करना है, आपको कभी भी इससे फोकस नहीं करना है। एट द टाइम ऑफ द वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ओनली हम इस स्क्रू की मदद से फोकस करेंगे डॉट को, बराबर, क्योंकि हमने इसको जीरो जीरो पे रखा हुआ है और स्क्रू की मदद से हमने डॉट को फोकस किया हुआ है। अब पूरे एक्सपेरिमेंट में हम स्क्रू को टच नहीं करेंगे, स्क्रू की मदद से हम कुछ भी नहीं करने वाले। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, बराबर, कि हमें स्क्रू की मदद से फोकस करने वाले नहीं है, बराबर। अब यहां पे रीडिंग लेना है हमें, तो सबसे पहला रीडिंग जो होगा वो क्या होना चाहिए हमारा, तो यहां पे आ जाइए। तो हमने ऑलरेडी, जैसा मैंने आपको बताया कि इनिशियली इट इज अ जीरो, जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, कि इनिशियली वो जीरो है क्योंकि हमने इसको जीरो पे सेट किया हुआ है। तो हमारा जो मेन स्केल रीडिंग होगा वो हमारा जीरो सेंटीमीटर होगा, ओके। उसके बाद हमें देखना है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आप देखिए कौन से नंबर का डिवीजन यहां पे कोइंसाइड हो रहा है, तो आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हो, बराबर। आप मैग्नीफाइंग ग्लास को भी यूटिलाइज कर सकते हो देखने के लिए। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई एक डिवीजन जो है वो बिल्कुल कोइंसाइड होता हुआ दिखाई देगा, बराबर। तो हमने इसके रीडिंग ऑलरेडी लेके रखे, ठीक है, और हमें जो रीडिंग मिले थे उसमें, बराबर, फॉर योर रेफरेंस, बराबर, हमें जो डिवीजन नंबर मिला वो था 35। तो डिवीजन नंबर जो कोइंसाइड हो रहा है वो रहा है 35। अब इस 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से, 0.001 सेंटीमीटर। तो ये जो आंसर मिलेगा दैट इज 0.035 सेंटीमीटर,
बराबर। अब इसको मेन स्केल में हम अगर ऐड कर दे तो हमारा आंसर आता है 0.035, बिकॉज 0.035 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0.035। सो दिस इज द फर्स्ट रीडिंग। ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है वो सिर्फ पीस ऑफ पेपर के ऊपर फोकस है। अब फॉर द सेकेंड रीडिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द ग्लास स्लैब। तो यहां पे हमारे पास ग्लास स्लैब है, ठीक है। इस ग्लास स्लैब को बिल्कुल इस डॉट के ऊपर आपको सिंपली रख देना है। अब आपको पता है जैसे हम इस ग्लास स्लैब को रखेंगे तो जो डॉट का जो इमेज है वो थोड़ा रेज हो जाएगा, तो ये जो फोकस हमने ऑलरेडी करके रखा था वो अब डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन हम अगेन ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का जो स्क्रू है, माइक्रोस्कोप का जो स्क्रू है उसकी मदद से हम बिल्कुल फोकस नहीं करने वाले। तो हमें इस इंक डॉट को कैसे फोकस करना है, तो हम ये जो हमारा वर्नियर स्केल है उसको हम रेज करेंगे, ऊपर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू। आप इससे भी कर सकते हो टॉप स्क्रू की मदद से अगर आपको फाइन मूवमेंट करवाना है तो, और पीछे भी जैसे मैंने आपको बताया स्क्रू दे रखा है तो आप इसको अगर लूज करोगे तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा, तो आप इसको भी अप एंड डाउन करके कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं कैसे करने वाला हूं। तो अगेन समझ लीजिए हम यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप का स्क्रू है उसकी मदद से बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, हम पहली बारी करेंगे जो हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया उसमें ही हमें करना है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इस स्क्रू को मैं लूज करके आई विल ट्राई टू फोकस दिस स्क्रू दिस डॉट अगेन। ओके, तो यहां पे हमने डॉट को एक बार फिर से फोकस करके रखा हुआ है, बराबर। तो हम ट्राई कर रहे हैं आपको अगेन उसको दिखाने के लिए, बराबर। तो आप देख पा रहे हो कि जो डॉट है ना वो बिल्कुल क्लियर आपको विजिबल है, बराबर। आपको हल्का सा वो दिखाई भी दे रहा है, तो वो ये जो डॉट आपको साइड से उसकी बाउंड्री भी दिखाई दे रही है, बिल्कुल फोकस है। ब्लैक डॉट है तो मे बी शायद ब्लैक आपको शायद इतना क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो हम जैसे पता है ना हम जैसे किस तरह से माइक्रोस्कोप में फोकस करते चीजों को, तो ये उसी तरह से फोकस किया गया है। अब हमें इसका रीडिंग लेना है। तो अगेन ये हमने माइक्रोस्कोप को टच नहीं किया, सिर्फ वर्नियर कैलिपर्स जो है हमारा उसको हमने थोड़ा रेज किया और इसको हमने फोकस किया। तो हमें रीडिंग लेना है सबसे पहले। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेन स्केल रीडिंग कितना है, तो ये जो जीरो है वर्नियर कैलिपर्स का, ये वर्नियर कैलिपर्स का जीरो कौन से नंबर के डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, बराबर। मे बी आपको लाइट के कारण इतना ज्यादा, ये बहुत ही फाइन आप देख पा रहे हो, बराबर, बहुत ही छोटा सा स्केल है ये, तो आपको ऑलवेज मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से फोकस करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से इसका जो जीरो है वो फोकस हो रहा है। तो जो जीरो जो आपका फोकस हो रहा है वो पॉइंट आप देख पा रहे हो 0.5 या 0.65 के बीच में आप देख पा रहे हो इसको, बराबर। तो ये जो है वो 0.65 आप देख लीजिए, तो 0.65 के ऊपर ये कोइंसाइड हो रहा है जीरो, ठीक है। तो 0.65 के ऊपर ये कोइंसाइड हो रहा है, तो अगेन हम इसका रीडिंग लेंगे कि भाई ये डिवीजन नंबर जो है कौन सा है 0.65। तो यहाँ पे जैसे हमने ऑलरेडी इसके रीडिंग लेकर रखे, ठीक है, तो अगर मैं आपको वही रीडिंग दिखाने की कोशिश करूं तो ये तो हम आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन हमने भी जब इसके रीडिंग लिए तो हमें इसको मिल रहा था 0.6, ठीक है, हमें 0.6 सेंटीमीटर मिल रहा था। और अगेन उसके बाद क्या करना है, कौन से नंबर का डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, बराबर। तो आपको क्या देखना है कि यहां पे टोटल वर्नियर में 50 डिवीजन है, कितने 50, आउट ऑफ 50 कौन से नंबर का डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है। मे बी आपको शायद इसको क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़े, बराबर। तो जैसे आप वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हो और उसमें डिवीजन नंबर निकालते हो कि कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है, तो इसमें भी हमारे पास टोटल 50 डिवीजन है। आप देख पा रहे हो 0 से लेकर 5 तक, ये पूरे स्केल में 50 डिवीजन है। तो आउट ऑफ 50 कौन से नंबर का डिवीजन इसके साथ बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मैच हो रहा है, तो वो डिवीजन नंबर हमें लिखना है। तो हमने जब इसको परफॉर्म किया गया तो हमें जो डिवीजन नंबर मिला वो था 30, तो 30th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रहा है। तो अगर हम इसको लिखे तो 30 × 0.001, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 0.030 सेंटीमीटर। तो ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग है और ये हमारा जो मेन स्केल रीडिंग है उसको हम ऐड कर देंगे, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 0.630, ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा। और सबसे लास्ट में जो हमें ऑब्जर्वेशन लेना है वो है विद द लाइकोपोडियम पाउडर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहां पे हमारे पास
लाइकोपोडियम पाउडर, बराबर। तो इस लाइकोपोडियम पाउडर को हमें हल्का सा इस डॉट के ऊपर स्प्रिंकल करना है, ठीक है, हल्का सा। आप किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से, पेपर से या निडल से या कैसे भी, बराबर, आप इसको हल्का सा इसको स्प्रेड कर दीजिए डॉट के ऊपर। तो अब आपका जो फोकस होगा वो अगेन डिस्टर्ब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइकोपोडियम पाउडर के पार्टिकल्स को फोकस करेंगे, लेकिन अगेन इसमें भी हम ये स्क्रू को यूज नहीं करने वाले। हम वर्नियर कैलिपर्स को ऊपर की तरफ रेज करेंगे, बराबर, और इस लाइकोपोडियम पाउडर को फोकस करेंगे। तो आइए चलिए फोकस करते हैं। तो यहां पे हमारा डॉट जो है वो पूरा ब्लर हो चुका है। अब हम इसको हल्के से धीरे धीरे अगर हम इसको रेज करें तो आपको एक सिचुएशन, एक पोजिशन ऐसी मिलेगी जहां पर आपका लाइकोपोडियम पाउडर जो है वो बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई देगा, बराबर। अगर आपको नियर बाय फोकस मिल जाए तो फिर उसके बाद आप इस अपर स्क्रू की मदद से इसको फाइन एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत आप इसको अप एंड डाउन करके आप इसको क्लियरली फोकस कर सकते हैं। तो अब यहां पे देखने की कोशिश करिए कि आपका लाइकोपोडियम पाउडर है बिल्कुल क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखा पाए पाउडर के पार्टिकल्स। इसको थोड़ा, हाँ, किस तरह से हम ट्राई करते हैं कि किस तरह से पाउडर पार्टिकल्स, हाँ, ओके। तो आप देख पा रहे हो पार्टिकल्स आपको, ये मैं थोड़ा फ्लैश लाइट यूज कर रहा हूं तो मे भी थोड़ा आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, लेकिन आपको पाउडर के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, बराबर। तो ये आपको इस तरह से जो पार्टिकल्स है पाउडर के वो आपको विजिबल होंगे, बराबर। और ये विजिबिलिटी अब जब आपका फोकस हो जाए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये पाउडर, बराबर, इसको थोड़ा हम अप एंड डाउन करके ट्राई करते हैं कि आपको थोड़ा और अच्छा विजुअल मिले। तब देख पा रहे पार्टिकल किस तरह से फोकस हो रहे, ठीक है। तो ओके, तो ये हमारा जो पाउडर है वो फोकस हो चुका है। अब हमें फिर से एक बार माइक्रोस्कोप का रीडिंग लेना है, बराबर। तो अगेन सेम वे जैसा हमने आगे रीडिंग लिए कि सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लेंगे कि भाई मेन स्केल हमारा कौन सा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, बराबर। तो वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, बराबर, ये जो जीरो है वो कहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, बराबर। तो हमने ऑलरेडी इसके रीडिंग लेके रखे है और ये रीडिंग जो हमें मिल रहा था वो था 1.85 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। देन उसके बाद कौन से नंबर का डिविजन कोइंसाइड हो रहा है, अगेन आपको देखना है कि आउट ऑफ 50 ये जो वर्नियर में 50 डिविजन है उसमें से कौन से नंबर का डिविजन मेन के साथ बिल्कुल परफेक्ट कोइंसाइड हो रहा है, मेन के साथ बिल्कुल परफेक्ट कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। तो वो डिविजन नंबर हमें नोट डाउन करना है। तो हमने ऑलरेडी इसको नोट डाउन करके रखा हुआ है, दैट इज अ 39, ओके। तो अगेन 39 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट 0.001, बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू 0.039 सेंटीमीटर। तो ये रीडिंग को मेन में ऐड कर देते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 1.859 सेंटीमीटर। सो नाउ वी हैव 3 रीडिंग्स रेडी विथ अस, ओके। सो जो पहला रीडिंग था वो हमारा पीस ऑफ पेपर के साथ था जिसको हम R1 बोलेंगे, बराबर। दूसरा रीडिंग जो था हमारा विद द ग्लास स्लैब था, बराबर, जिसको हम R2 बोलेंगे। और तीसरा जो रीडिंग था वो हमारा लाइकोपोडियम पाउडर के साथ था जिसको हम R3 बोलेंगे। कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, तो रियल डेप्थ का मतलब क्या होता है, रियल डेप्थ का मतलब होता है R3 माइनस R1, बराबर। तो हमने जो लाइकोपोडियम पाउडर के साथ जो उसको हमने फोकस किया था उसमें से हम इंक डॉट का जो रीडिंग था उसको माइनस करेंगे। तो R3 माइनस R1 अगर हम परफॉर्म करें तो ये जो आंसर आता है कितना आता है, आइए चेक करते हैं। तो R3 हमारा कितना है, R3 हमारा 1.859 माइनस 0.035। तो अगर हम इसको माइनस करें तो ये जो आंसर आता है हमारा R3 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू 1.824, ठीक है। अब दूसरा जो रीडिंग है वो है हमारा R3 माइनस R2। तो R3 हमारा कितना है, 1.859 माइनस 0.630। तो ये जो रीडिंग आता है वो आता है हमारा रीडिंग 1.229।
तो ये हमारा रियल डेप्थ हमारे पास आ गया, वर्चुअल डेप्थ भी हमारा आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है एन जी ए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज इक्वल टू आर थ्री माइनस आर वन, दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ। तो रियल डेप्थ हमारा कितना था 1.824 और दैट इज डिवाइड बाय 1.229। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 1.824 डिवाइड बाय 1.229, तो ये जो आंसर मिलेगा हमें दैट इज इक्वल टू 1.48। तो हमारा जो ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला दैट इज इक्वल टू 1.48 और यही हमारा रिजल्ट बनेगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब दैट इज इक्वल टू यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप दैट इज इक्वल टू 1.48। और इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये मैं आपके आपके लिए बता दूं रेफरेंस के लिए, जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है आपकी इस ग्लास स्लैब की वो नियर बाय होती है 1.50। ओके, तो हमारा जो रीडिंग आ रहा है बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लोज आ रहा है, मतलब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया या हमने जो रीडिंग लिया वो ऑलमोस्ट हमारे सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट था क्लास 12th में फिजिक्स में, कि किस तरह से आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।